नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मुहाना मंडी में और आज 16 अगस्त 2023 हो चुकी है और जयपुर में क्या प्याज में तेज़ी का माहौल बना हुआ है, कितनी आवक आमदनी देखने को मिल रही है, किस किस तरह की वैरायटी की प्याज आ रही है, ये सभी जानकारी होने वाली है। आप देख सकते हैं छोटी साइज़ की प्याज भी हैं, बिल्कुल गुलटी प्याज हैं, बिल्कुल हल्की छोटी जो बीज के लिए होती है उस तरीके की हैं। और ये मथानिया भोपालगढ़ वगैरह है और नासिक वाला भी प्याज आया हुआ है। ये चोपड़ा लग रहा है, थोड़ा सा चोपड़ा ही है, हल्की क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का प्याज क्या भाव बिक रहा है, ये सभी जानकारी यशपाल भाई जी से लेने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और उनसे जानेंगे कि प्याज में क्या माहौल है, आगे क्या बनने वाला है, ये सभी जानकारी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए जान लेते हैं यशपाल भाई से आज की ताज़ा अपडेट। कैसे हो सर? सर नमस्ते, राधे राधे। आप सब किसान भाइयों को बहुत बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बढ़िया, आप लोग कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर। फर्स्ट क्लास सर। क्या रिपोर्ट है आज? रिपोर्ट सर ऊपर में 30 रुपए 31 रुपए तक प्याजे बिकी है। अच्छा जी। और नीचे में 20 रुपए तक ऐसे चोपड़े प्याज आ रहे हैं जो 14-15-16 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा जी। ये चोपड़ा है सर प्रॉपर, इसमें उगने की शिकायत है थोड़ी बहुत, तो इसलिए ले नहीं रही दुनिया, उग रहा है। अगर चोपड़ा जो आ रहा है नासिक का, वो सूखा आ रहा है। बिल्कुल। वो 16 रुपए बिका सर, ये पास वाले के पास ही गाड़ी लगी है, 16-16.5 रुपए बेची सर। बिल्कुल सर। तो सर आज कितनी आवक है सर? सर आवक के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि सुबह बारिश पड़ रही तो गिनती में नहीं आई सर, क्षमा चाहूंगा इस चीज के लिए सर। अच्छा जी सर। पर गाड़ियां काफी नजर आ रही हैं सर? गाड़ियां होंगी सर, अब भाव आ गया सर तो निकालेगा। जिन जिनका स्टॉक है वो अपन लोगों के इंटरव्यू के माध्यम के थ्रू भी मेरे पास फोन आया आपके थ्रू, तो उनको भी मैंने भी जो राय दी, आपने जो राय दी, धीरे निकालना चाहिए, अब निकल रहा है, बाजार में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ऊपर में तो 30-31 बिका है, नीचे में सर जो एवरेज भाव है वो क्या चल रहा है? सर एवरेज भाव 24 से लेके 26-27 रुपए किलो तक माल बिक रहे हैं। अच्छा जी सर। और गुलटे 20-21-22-23 जैसा कलर वैसे बत्ती वैसे माल, और जो चोपड़ा है 14 से लेके 16 रुपए किलो तक। ठीक है जी सर। तो सर प्याज जैसे एमपी से भी आ रहा है कुछ? हाँ, आज दिन एमपी की गाड़ी बेची ना, 1,27,000 बेचा, 1,24 बेचा, 1,22 बेचा। अच्छा जी। 3,00,000 बेचा सर। तो एमपी का प्याज है वो कैसा आ रहा है? बढ़िया आ रहा है सर, अच्छी क्वालिटी आ रहा है सर। और सर पूना वगैरह, पूना साइड से? पूना साइड से सर, एक्चुअली अभी क्या डिमांड है मीडियम, मतलब ज्यादा मोटे की साइज नहीं है, 35 से लेके 50 mm की डिमांड है। अच्छा जी। अच्छा। तो वो इज्जत से बिक रहे हैं, बाकी जो ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर आ रहा है वो होटल वाले लेते हैं, और होटल वाले क्या चोपड़ा में रुझाव दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो दिक्कत है, मोटे को बिकने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मगर हाँ कलर पत्ती अच्छा हो 30-31 तक बिक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ कलर गुलाबी चलता है सर, सबसे बड़ी चीज बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो नासिक में थोड़ा सा हल्का कलर आ रहा है सर? हाँ, नासिक पीले कलर का आ रहा है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। माल नासिक नगर में भी अच्छे आ रहे हैं गुलाबी कलर के, मगर पीले माल आ जाते हैं लाड में वो अटक जाते हैं। बिल्कुल। गुलाबी तो बिक जाते हैं। एमपी का भी मैंने एक लोड देखा था, बिल्कुल गुलाबी था जी सर। बिल्कुल, वो बिका भी सर उसी रेट होगा, 26-27-28 30 रुपए बिका होगा, तो एक्स्ट्रा सुपर होगा। एक मेरे पड़ोस में भी गाड़ी आई थी 30 रुपए की, एक्स्ट्रा सुपर थी। बिल्कुल। मेरे पास थोड़ा सा मीडियम था माल। बिल्कुल। तो सर क्या संभावना लग रही है सर, जिस हिसाब से प्याज पीछे भी तेज हो रहा है और यहाँ पर भी तेज हो चुका है, तो आगे क्या संभावना? अभी तो स्टेबल है, अभी तो 20 से लेके 30 रुपए बाजार पीछे, 20 से लेके 30 रुपए यहाँ है। अच्छा। अभी स्टेबल है, अभी तो कुछ नहीं कहेंगे, नेक्स्ट वीक देखो क्या होता है, मौसम खुले उसके बाद। आज सुबह जयपुर में बारिश थी रिमझिम रिमझिम। तो ये सर अगर बारिश लगातार होती है, मान लो आज से शुरुआत हो चुकी है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? सर बारिश का इफेक्ट तो अभी तो कुछ नहीं पड़ेगा, नई फसल के अंदर अगर ज्यादा बारिश होती है तो इफेक्ट पड़ेगा, अपन लोगों को तो कोई इफेक्ट नहीं है। अपन लोगों को तो क्या अभी कड़ी लगी होगी, कड़ी लगी को तो कड़ी को तो प्याज चाहिए। वैसे सर इसमें भी तो खराबी होगी ना सर, जैसे नासिक वाला है अगर बारिश लगातार होती सर, है सर जितने माल आ रहे हैं डैमेज आ रहे हैं। अच्छे माल तो आप 30 रुपए किलो बता ही रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो माल आ रहे हैं वो डैमेज आ रहे हैं सर। और जैसे सर मान लो ये 30 रुपए बिक चुका है, 31 रुपए बिका है कल, और ये 40 के आसपास पहुंचता है, तो अफगानिस्तान में अभी सुनने में आया है कि 5 से 7 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है, तो गवर्नमेंट तो एक्शन लेने वाली है? इतना जल्दी लाएगी नहीं सर, इतना जल्दी इंपोर्ट नहीं होगा। आ तो रहा है सर कुछ थोड़ा थोड़ा प्याज, बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा आने में कोई इशू नहीं होता है। आप आज आपके पास 100 रुपए का खर्चा और आपके पास हो ही 10 रुपए, आप क्या बिगाड़ लोगे सर? तो वो आपके पास ठीक है सर, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, एक आम आदमी एक्शन ले सकता है। गवर्नमेंट को किसान की भी सोचनी है, गवर्नमेंट को सबकी सोचनी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं जैसे अब लहसुन में सर चाइनीज माल आ रहा है सर, वो 180 से पीछे आया है। बिल्कुल। ये तो 30-40 में घूम रहा है, तो सर 30-40 के ऊपर एक्शन ले सकती है? नहीं नहीं, अभी ऐसा कोई इशू नहीं, ऐसा नहीं है सर। मेरे 20 से लेकर 30 के बीच में कुछ नहीं है, 40 के बाद ही सोचेगी सरकार, सोचेगी। अच्छा। और जो आम आदमी आप जैसा मेरे जैसा जो जिसका पैसा है वो ले आए तो अलग बात है, बाकी अभी सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि सर वहाँ रेट डाउन है सर अभी फिलहाल बता रहे हैं अफगानिस्तान में। हाँ, 5 का प्याज सर अभी तक मेरे पास तो आया नहीं, लास्ट 3 साल पहले आया था। अच्छा जी। वो रुकता नहीं है सर,
अच्छा वो रुकता नहीं, पानी छोड़ देता सर वो। अच्छा जी अच्छा, वो रुकता नहीं है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मैंने पास जो आया था वो, अब मैंने ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं बेची होगी शायद, हो सकता है। बाकी मेरे जयपुर में भी अफगानिस्तान अभी तक आया नहीं। अभी नहीं आया सर? नहीं। तो सर जैसे अभी साउथ की बात करें तो वहाँ की क्या कंडीशन नजर आ रही है आपको? 10 दिन बाद बात करेंगे सर, कल ही बात, 10 दिन बाद बात करेंगे। अच्छा, जो भी होगा 10 दिन बाद बाजार आएगी। कई नासिक के इलाकों में पानी नहीं पड़ी तो फसल लगी नहीं। अच्छा, बाकी हाँ अपने जो साउथ की तरफ है जैसे हुबली और ये सब है तो उधर बोल रहे अच्छी फसल है, मगर एक बार मार्केट में आने के बाद ही पता पड़ती है। आजकल मौसम का कोई क्लाउड का मौसम, बारिश, अपने जो प्रगति का थोड़ा सा टाइमिंग जो चेंज हुआ वो, अब देखो खेतों में बारिश पड़ गई, आखिरी जब निकलने वाली होती है फसल तब बारिश पड़ गई तो दागी हो जाता है। और पिछले 2 साल से ये हो रहा है तो इस साल तो सर अब देखो क्या होता है, क्या रिजल्ट बाहर आता है। तो सर जैसे अभी अगर नई फसल अच्छी आती है तो रेट के ऊपर कुछ सर? अभी तो 1.5-2 महीने है, अभी तो गैप अच्छा है। अभी तो देखो कब साउथ वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ साउथ की आएगी सर, अभी महीना भर है सर, पूरा अगस्त सितंबर अक्टूबर में आएगी, फर्स्ट वीक सेकंड वीक में। बिल्कुल, तो 1.5 महीना कवर करना है सर। और 1.5 महीने के अंदर आपके माध्यम के थ्रू कल फोन आया था, बोले प्याज से इतना ही बचा है कि 5 से 10 दिन की और होगा, तो देखो अभी क्या होता है, लेट्स सी। सर अभी जैसे कमेंट आप बता रहे हो, कमेंट भी आ रहे हैं कि नासिक में अभी बहुत ज्यादा स्टॉक है, एमपी में भी बहुत ज्यादा स्टॉक बता रहे हैं। तो एक्चुअली में सर मेरे पास कल नासिक से किसी बंदे का फोन आया था, ओम साई करके, बोले मैं अध्यक्ष हूँ सारी यूनियन का, किसान भाइयों का। अच्छा जी, मैं तो उनको भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। वो बोले हमारे यहाँ स्टॉक थोड़ा नेफिट का नहीं है। अच्छा जी, बाकी हमारे किसान भाइयों के पास है जो है, तो अब देखो कितना स्टॉक अंदर है, कितना नेफिट के हाथ में। वो तो सर देखो आम आदमी की तरह है, जैसे आप वैसे मैं वैसे भैया, वैसे तो पता ही नहीं पड़ पाएगा ना कभी भी जिंदगी में कि कहाँ क्या बाजार है, कहाँ क्या नहीं है। बिल्कुल, ये तो आपके माध्यम के थ्रू जो पता पड़ता है वो हम आपको डिलीवर कर देते हैं, भैया के थ्रू पता पड़ता है, आपके थ्रू नासिक फोन व्हाट्सअप तो ये पता पड़ता है, ये हम डिलीवर कर देते हैं। बिल्कुल, अब जैसे उनसे बात हुई, उन्होंने बोला नेफिट में माल नहीं है, जबकि नेफिट में 3.5-3 लाख टन माल सबको पता है। बिल्कुल, दूसरी चीज वो बोले 8-9-10 रुपए किलो में। अब मेरे जो भाई गए हुए थे वो बोल रहे थे 18-19 रुपए में उनका स्टॉक किया हुआ है। अब भगवान जाने सर, मालिक जाने, अपन ने देखा नहीं, अपन जो रिपोर्ट आती है अपन वो डिलीवर कर देते हैं। बाकी अगर अपन बोले गिरावट अभी मेरे को कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि मंडियों में माल कम पहुंच रहे हैं। अच्छा, अभी किसान भी होल्ड कर रहा है कि 40-50 रुपए प्याज बिकेगा, बाकी रही अफगानिस्तान जब आएगा तब देखेंगे। उसका ट्रांसपोर्टेशन भी लगना है, सब चीजें लगनी है, खर्चा लगना है, इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा, और सरकार भी इतना जल्दी से ऐसे कोई एक्शन लेने वाली नहीं सर। अभी ये तो आम आदमी की रीच में है, आजकल 30-40 से कुछ नहीं होता सर। पहले गैस था 400, आज 1100, क्या नहीं बिक रहा है? तो 30-40 कोई एक आम आदमी की रेंज है, इससे ऊपर जाने के बाद सरकार एक्शन में आएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर जैसे ग्राहकी कैसी है अभी? ग्राहकी शानदार है सर, बहुत अच्छी है, शुक्र है मालिक का। मंडी के अंदर माल काफी तरीके के आ रहे हैं, चोपड़ा आ रहा है, नासिक आ रहा है, नासिक की जो काफी सारी मंडियों से माल खुद आ रहा है, एमपी आ रहा है, रतलाम आ रहा है, मतलब एमपी के अंदर पूरा रतलाम, इंदौर, यहाँ से कई गाड़ियां आ रही है, उज्जैन से आ रही है, थावला आ रहा है, मथानिया आ रहा है, सब चीजें आ ही रही है सर। सर जैसे अपना राजस्थान का प्याज है वो लगभग 31 रुपए के आसपास बिका है, तो उसकी क्या खासियत है? उसकी सर वो सर उसकी तासीर बहुत अच्छी होती है सर। अच्छा, खाने के लिए पहले जो अपने बुजुर्ग होते ना सर वही खाते थे, प्याज को तोड़ते थे, रोटी लेते थे, उसके साथ डाल देते थे और खा लेते थे कोने बैठ के। बिल्कुल, ये देसी प्याज की तासीर है कि देसी प्याज को आप अगर देसी रोटी के साथ खाओगे ना आपको अलग ही सब्जी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, उसकी तासीर अलग है, उसकी जगह अलग है, तो वो नासिक को बीट करता है सर। अगर वो प्याज अगर आप सुपर जिसकी बात कर रहे हो 31 रुपए के अंदर जो बिका है वो नासिक को बीट करता है सर। कई इलाकों में नासिक नहीं लेते, उधर देसी लेते। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और सर अलवर वाले किसानों के लिए क्या है सर? सर अलवर वाले किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत डाउन रहने के कम चांसेस है। अच्छा, बाकी देखो क्या होता है, लेट्स सी। अभी तो लगे फसल बाहर आए, बारिश क्या करता है, क्लाउडिंग क्या होती है, रेन क्या होता है, कितना उनकी बरसात साथ देती है, कितना नहीं देती, देखो लेट्स सी। अभी तो वेट करो, वेट एंड वॉच का खेल है सर। क्योंकि सर अभी जैसे प्याज का भाव बढ़ा है तो बीज का भी लगभग 4-4.5 हजार बोलने लग गए। हाँ ठीक है सर, होता है सर, जिस चीज की सर हो सकता है, जो पीछे 7-7.5 हजार गया था वो भी भाव पहुंच सकता है। नहीं सर, अभी तो प्याज जाए 40-50 से ऊपर तो बीज टाइट होगा, नहीं तो इस भाव में बीज की बात कर रहा हूँ सर, बीज की तो भी लगाने वाला सोचेगा सर एक बार। अगर 4 हजार रुपए रेट हो जाता है ना सर और बरसात आ जाती है तो किसान को बहुत लंबा नुकसान होता है सर, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई दिखाई नहीं देता सर। लास्ट टू लास्ट ईयर झालावाड़ 2 साल से अंदर यही हो रहा है, वो बीज लेके बेचारे कड़ी लेके लगाते हैं, पहले खुद का बीज लगाते हैं, बारिश हो जाती है खत्म हो जाता है, बाजार से बीज लाते हैं वो खत्म हो जाता है, फिर वो बेचारे भावनगर एमपी बॉर्डर इंदौर बॉर्डर से बीज लेके आते हैं, वो कड़ी बोलते हैं उसको, प्याज तलाजा वाला जो बोलते हैं वो लगाते हैं उधर, फिर वो प्याज होता है। तो उसके इतना बड़ा रिस्क लेना हर किसान की बात नहीं है सर, किसान है, किसान के पास मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं लगता कि इतना महंगा बीज जाएगा, इतना आपके पास नहीं जाएगा, मेरे को नहीं लगता सर। ये 50 के बाद सोच सकते हैं, 50 के बाद अगर हो गया तो हाँ किसान को अगर जचगी तो लगाएगा ही लगाएगा, कोई भी लगाएगा।
50 के बाद 4000 तो लगभग पहुंच चुका है सर। हाँ, तो बस ये इसी में घूमना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कितना लगेगा आपकी बार, ज्यादा लगेगा या कम लगेगा सर? स्टेबिली देखो कितनी होती है आवाज, जैसे अफगानिस्तान बता रहे हो कि आ रहा है, आ चुका है 5-7 रुपए, उधर बजा रहे हैं तो उसका क्या खर्चा है, क्या इम्पोर्ट की सरकार ले रही है, क्या रेट बिकता है, क्या उसकी रिस्पॉन्स, वो जो रिस्पॉन्स आता है उसका की स्टेबल भी है, रुकता भी है कि नहीं रुकता है, एक दिन में दागी हो जाता है नहीं हो जाता है, तो वो सब चीजें मैटर करेंगी 10 दिन बाद। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कहाँ तक बाजार? सर मैंने तो अभी मेरा जो स्टेटमेंट था वो दे दिया, 10 दिन बाद 15 दिन बाद मैं स्टेटमेंट दूंगा कोई भी। अच्छा, और मेरा सबसे निवेदन है 8 से पहले फोन करो, कल रात को भी 11-11 बजे फोन आ रहे थे, प्लीज मत करो, रिक्वेस्ट है। ऐसे मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरे पास जो ज्ञान होगा मैं दे नहीं पाऊंगा। अभी जैसे कल मेरे को ज्ञान मिला तो मैंने आप लोगों को शेयर किया है। अब देखो सर क्या होता है, वो तो खेल है, अभी तो वही बाजार चल रहा है 20 से 30 31। और देसी की तासीर अलग होती है सर, देसी अपनी जगह पे नासिक को बीट करता है, जो देसी खाता है सर वो देसी ही खाएगा, जो नासिक खाता है वो नासिक खाएगा। कई इलाकों में लाल लाल भी 31 बिका सर, जो मदानिया जो रुकता भी नहीं है, 2 दिन उसकी मयाद होती है तो भी 31 रुपए बिक रहा है, फावला 30 रुपए बिका है। तो वो सब चीजें हैं सर, हर चीज क्या अपनी अपनी एक जगह होती है सर। जैसे इंडोर या आपकी ये वाली बेल्ट ले लो आप, मथुरा और भरतपुर, गंगापुर सिटी, और आगे आ जाओ तो महुआ, ये पूरी रेड खाती है बहुत तरीके से, बिल्कुल लाल माल चाहिए उनको, और लाल सिर्फ मथानिया में आ रहा है और थावला में आ रहा है, तो ये बिक रहे हैं। अब आप देसी की ले लो तो कई गांव ऐसे हैं जो नासिक को कुछ समझते ही नहीं है, देसी ही चाहिए भले कोई भाव भी हो। कई ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने सिटीज और ऐसे हैं कि नासिक चाहिए, देसी नहीं चाहिए। तो सर हर जगह अपना एक मैटर होता है सर, हर आदमी के लिए अपना वो होता है सर। हर आदमी को सर सोना पसंद नहीं है, किसी को चांदी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, हर किसी को रसमलाई पसंद नहीं आती, किसी को बर्फी पसंद आती है, किसी को बंगाली मिठाई पसंद आती है, ऐसा है सर। तो इसीलिए सारे जो अच्छी क्वालिटी के प्याज है अच्छे भाव बिक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे हिसाब से स्टेबल बाजार बहुत अच्छा है, 20 से लेकर 30-31 के बीच में प्याज निकालना चाहिए धीरे धीरे करके। अब जो सरकार एक्शन लेती है यहाँ, जैसे कुछ भी होता है तो आपको ये अरमान नहीं रहेगा यार मैं शायद 25 से बेच देता या 20 से बेच देता या 30 से बेच देता, बिल्कुल सही है। तो ये अरमान नहीं रहेंगे अगर बाजार के अंदर कुछ भी उतार चढ़ाव होता है। बाकी 30 से 40 प्याज जाना चाहिए, आज भी स्टिल जाना चाहिए। बिल्कुल जी। राधे राधे। यशपाल दोतलानी, A34 नारायण ट्रेडर्स, मोहना मंडी, जयपुर, 94-140-75-021, 9414-075021। एक निवेदन है आपसे, 8 से पहले फोन करें, 8 के बाद मत करें, हाथ जोड़ के निवेदन है। धन्यवाद सर। राधे राधे।